हेलो दोस्तों, स्वागत है कोटिंग चैनल पर। आज मैं आपको सिखाऊंगा हम एक पल्स रेट ऐप कैसे कोड टोटोलॉजी में बना सकते हैं। तो चलिए हम कोड टोटोलॉजी, अब हम यहाँ से ऐप लैब में जाएंगे। आप ये स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अब लेबल में एक लेबल इतना बड़ा ऊपर में रखें और इसके अंदर लेते हैं पल्स रेट। इसका थोड़ा सा साइज छोटा करें, इतना। अब इसका पोजीशन है इसे बस। अब ये ऐप काम करेगा, आप यहाँ पर 10 सेकेंड्स तक आपके पल्स देखे जाएंगे। इसको ब्लैंक करते हैं, इसको देंगे ब्लैंक टाइमर, डन। तो इस अब हम एक बटन रखेंगे जो होगा स्टार्ट, जिसका टेक्स्ट स्टार्ट है, स्टार्ट बटन आईडी, और फिर एक कैलकुलेट। इसका थोड़ा ऊपर रखें, बटन आईडी होगा कैलकुलेट एंड लेबल इतना बड़ा, और एक टेक्स्ट इनपुट। आउटपुट लेबल आईडी आउटपुट हो, टेक्स्ट इनपुट एक ही है तो हमें उसकी जरूरत नहीं होगी आईडी चेंज करने की। तो अब हम यहाँ से कोडिंग में शो ब्लॉक्स करते हैं और ऑन इवेंट में जाएंगे। तो फिर कंट्रोल से टाइम्ड लूप लेंगे एंड पुट इट। तो आईडी में हम देंगे स्टार्ट बटन, टाइम लूप एवरी 1000। तो हर 1000 पर हम वेरिएबल जाएंगे, बार एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू एक्स और 1। अब यूआई कंट्रोल्स में जाकर सेट नंबर आईडी एक्स, सॉरी ब्लैंक टाइमर में देंगे और ये नंबर पर एक्स डालेंगे। तो हम लोग का टाइम ये हो गया। अब कैलकुलेटिंग के लिए हम यहाँ पर आएंगे और ऑन इवेंट लेंगे, और यहाँ से कैलकुलेट जब क्लिक करेंगे तो मैथ हम इनटू ब्लॉक लेंगे, सेट नंबर आईडी होगा आउटपुट। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर लेकर यहाँ रखेंगे, इसमें यूआई कंट्रोल्स में जाकर गेट नंबर फ्रॉम टेक्स्ट इनपुट 1 इनटू 6। हाँ तो ये हुआ। तो इसके अंदर होगा कि हर 10 सेकेंड के बाद ये 6 में आ जाएगा और ये रिजल्ट हमें यहाँ मिलेगा। अब हम वापस कंट्रोल पर जाएंगे, टाइम्ड लूप 1000 10000
एंड ये स्टॉप टाइम लूप करेंगे। ऐसे तो आप ऐसे इसको रखें, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब रन करके देखते हैं। तो लेट्स मेक दिस स्टार्ट। अब जैसे मेरा आया 12 और मैंने कैलकुलेट दबाया तो मेरा पल्स रेट है 72। तो दोस्तों आप ऐसे ही अपना ये पल्स रेट ऐसे बना सकते हैं। धन्यवाद, और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें।